नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगई। आप देख रहे हैं देवभूम इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई बैठक, लेकिन नहीं पहुंचे अधिकारी। खटीमा गोलीकांड की 29वीं वर्षगांठ, सीएम धामी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड को देश में मिला दूसरा स्थान। पहाड़ दरकने से बंद हुआ अल्मोड़ा नैनीताल नेशनल हाईवे। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई। विधानसभा सत्र में विधेयक आएगा जो कि 2024 से लागू होगा। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियों के संबंध में विधानसभा देहरादून में बुलाई गई बैठक में समय से अधिकारियों के न पहुंचने पर उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी बेहद नाराज हुई। उन्होंने ऐसे अधिकारियों की सूची भी तलब की है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समय की कद्र सभी अधिकारियों को होनी चाहिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी पर कहा कि हम खटीमा गोलीकांड को नहीं भूल सकते। 7 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने हमारे राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। खटीमा सीएम धामी का पैतृक आवास भी है। धामी यहां से विधायक भी रह चुके हैं। रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान मिला है। सीएम धामी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। स्टैंडर्ड की राइजिंग टैली के मुताबिक 2023 के जून महीने तक रोजगार सृजन की दर 28.6% आंकी गई है। असम 33% के साथ पहले व बिहार 21.1% के साथ तीसरे स्थान पर आया है। प्रदेश बीजेपी प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद अब मौसम सामान्य है, लेकिन पहाड़ों के दरकने का सिलसिला अभी तक बंद नहीं हो पाया है। गुरुवार 31 अगस्त देर शाम अल्मोड़ा नैनीताल नेशनल हाईवे पर क्वारा पुल के पास पहाड़ दरकने से भारी मलबा आ गया। वहीं पुल को भी क्षति पहुंची है। इस कारण नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध तेज हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य मार्गों के किनारे स्थित सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में उत्तरकाशी में व्यापारियों ने सरकार का पुतला फूंका, तो वहीं गैरसैंण और रामनगर में बंद का आह्वान किया गया। लक्सर के डेरा गांव के जंगल में भट्टी चलाकर कच्ची शराब बनाने का धंधा चल रहा था। आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर मौके से तैयार की गई 60 लीटर कच्ची शराब, शराब बनाने की सामग्री व उपकरणों के साथ ही 2000 लीटर लहन बरामद किया है। वहीं टीम ने शराब बनाते एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा है। रक्षाबंधन पर्व पर जिले में रोडवेज की 14 सेवाओं में से 3 सेवाओं का संचालन स्थगित रहा। कई पर्वतीय रूटों से रोडवेज की सेवाएं न होने से पहाड़ जाने वाले वाहनों को मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं मिल पाया। वहां टैक्सी कैंपों में 150 से 300 रुपए टिकट लेकर भाई के घर पहुंचे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक के भरपूरिया में बीती रात्रि को गुलदार ट्रैप कैमरे में दिखा। एक सप्ताह पूर्व गांव में 3 साल के मासूम को गुलदार ने मार दिया था, जिसके बाद गुलदार को नरभक्षी घोषित कर यहां पर 4 ट्रैप कैमरे लगाने के साथ ही शूटर तैनात किया गया था। लेकिन पिछले 5 दिनों तक गुलदार नजर नहीं आया, लेकिन बीती गुरुवार रात्रि को गुलदार की लोकेशन ट्रैप कैमरे में दिखी। सीएम धामी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अहम बातें कही। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। सीएम ने कहा कि दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया का अग्रणी देश भारत बने, उसी दिशा में उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन जो अवधारणा है, ये निश्चित रूप से देश को अग्रसर करने वाली है और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अगले अपडेट्स के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। जी डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।